शिमला जिला के रामपुर के समीप डकोल्ड की महिला मंडल ने नशा मुक्त स्वस्थ भारत अभियान चलाया हुआ है। रामपुर के आसपास के क्षेत्रों से भांग उखाड़ रही हैं महिलाएं। महिलाओं ने बताया कि वाहन एवं पैदल मार्गों के आसपास भांग पनप रही है और उसे नष्ट करना बेहद जरूरी है ताकि नशेड़ियों को आसानी से भांग उपलब्ध ना हो सके। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप डोकरण की महिला मंडल ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है ताकि स्वास्थ्य एवं गतिशील समाज का निर्माण हो सके। जय देवता कलसी महिला मंडल की महिलाओं का कहना है कि शहर के आसपास भंग नशेड़ियों को आसानी से ना मिल सके, इसलिए भंग को नष्ट किया जा रहा है। जब भंग आसानी से नहीं मिलेगी तो अपने आप नशेड़ी नशा छोड़ेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। लोगों को इस प्रकार के नशे से दूर रहने के प्रति उन्होंने जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि युवा एक दूसरे को देखकर इस तरह की गलत संगत में पड़ रहे हैं और अपना भविष्य भी दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए हर जागरूक इंसान को मादक पदार्थों के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। इस तरह के कार्यों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में डोकलैंड महिला मंडल की महिलाएं नशा मुक्त अभियान को अंजाम तक पहुंचाने जा रही हैं। प्रोमिला मेहता ने कहा कि डोकलैंड व आसपास की महिलाओं ने नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने बताया कि रामपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में भांग उखाड़ने का काम भी जोरों पर चल रहा है। इससे और लोगों को भी संदेश देकर जागरूक किया जा रहा है ताकि वे नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान कर सकें। मेरा नाम प्रोमिला मेहता है और मैं डकोलड़ की स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पर आज हम सभी महिलाओं ने एक बैठक की है और उसमें हमने निर्णय लिया कि जो हमारे शहर के रामपुर शहर के आसपास में जिस तरह से भांग उगी हुई है, यहाँ पर सभी युवा जो है भांग को लगाते हैं और सुबह शाम जो है नशे करते हैं। तो हमने ये अभियान इसलिए चलाया है कि ताकि हम भांग को उखाड़ कर नशा मुक्त अभियान चलाए और शहर के आसपास के हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि शहर के आसपास के जितने भी क्षेत्र है इस तरह के अभियान चलाएं ताकि इस नशा मुक्त अभियान को हम सफल बना सके। महिला मंडल की प्रधान अंजलि ने बताया कि आज सभी महिलाएं भांग उखाड़ने में लगी हैं और महिलाएं सड़क के साथ जहां भांग अधिक है उसे उखाड़ रही हैं ताकि नशेड़ी और युवाओं को आसानी से भांग उपलब्ध ना हो सके। इससे आसपास का माहौल भी ठीक रहेगा। हमने आज सबने ये सभा आयोजित की है। हमने जो यहाँ पर भांग लग रही है उसको उखाड़ने का अभियान शुरू किया है ताकि जो शहर के सड़क के आसपास है डकोलड़ गांव में जितनी भी भांग है उसको हम उखाड़ के खत्म कर दें और यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको नशे के बारे में जागरूक करें ताकि जितनी भी नशे की कुरीतियाँ फैल रही है उससे हमारा गाँव नशा मुक्त हो। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।